स्टेट कन्वेंशन और सेकंड नेशनल कन्वेंशन में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का हम सूरत टीम और पेरेंटिंग फॉर पीस टीम की ओर से स्वागत करते हैं। हमारे दो दिन के कन्वेंशन का हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। वैभव भाई, आज अभी 9 बजे से शुरू होने वाले हमारे सभी कार्यक्रम कल शाम 6 बजे तक चलेंगे। बाहर से आए हुए जो भी हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पर है, सबको उसकी जानकारी होगी और ठीक तरीके से व्यवस्था हो भी गई होगी। अगर इसमें कोई प्रश्न है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ या वैभव भाई उनका संपर्क करें। हमारे ये दो दिन के जो कार्यक्रम चलेंगे उसमें हम समय पालन का ध्यान रखेंगे। हमें समय के बारे में बताने वाला कोई नहीं होगा, हमें स्वयं को ही ध्यान रखना होगा और जो भी समय है उसी समय से वो स्थान पर पहुंचना रहेगा। कन्वेंशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वैभव परीख, जो कि हमारे पेरेंटिंग फॉर पीस के वॉलेंटियर है। सुप्रभात। आज के P4P की कन्वेंशन की शुरुआत हमारे बहुत ही साल से पहले से ही जुड़े हुए वैभव भाई परीख करेंगे। वैभव भाई एक रिनाउंड ट्रेनर है और पेरेंटिंग फॉर पीस के लिए जितना हार्डवर्क वैभव भाई करते हैं वो काबिले तारीफ है। वैभव भाई को आगे आने की विनंती और उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्ते मित्रों। नमस्ते। थैंक यू। आप सभी का पेरेंटिंग फॉर पीस परिवार में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। आपसे निवेदन है कि हम सभी अपनी आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज एवरीवन, बी विथ योर सेल्फ। जिस ईश्वर में हम श्रद्धा रखते हैं, जिसको हम रोज पूछते हैं, जिसकी हम रोज आराधना करते हैं, उस ईश्वर को याद कर लें। अपने माता पिता को याद कर लें। अनकंडीशनली, किसी भी तरह की शर्त के बगैर उन्होंने हमारे जीवन में जो भी योगदान दिया है उनको याद कर लें। जब हम उनके साथ थे तब हमारी परवरिश में उन्होंने जो भी संघर्ष किया है, हमें कैसे बड़ा किया है वो हम जानते हैं। वो दुख, वो सुख, वो आनंद, वो उदासी, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी घटनाओं को याद करें। हमारे सच्चे मित्रों को याद कर लें जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हमारी जिंदगी में किसी भी कठिनाई के समय उनके समक्ष हम अपनी सारी वेदनाएं बता सकते हैं। उनकी उपस्थिति से ही हम मन में एक आराम का एहसास अनुभव करते हैं। उनको याद कर लें। अपने बचपन को याद कर लें। हम बच्चे थे, हम कैसे थे, कहाँ थे, किस तरह की परिस्थिति से पले हैं, पढ़े हैं, जिस स्कूल में पढ़े थे उन स्कूल को याद कर लें। उन सारे शिक्षकों को याद कर लें, उन गुरुजनों को याद कर लें जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान दिया है।
उनके एक नम्रतापूर्ण आचरण ने हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाया है। नम्रता हमने किनसे सीखी है, प्रेम बांटना हमने किनसे सीखा है, मदद करना हमने किनसे सीखा है। हर एक व्यक्ति जो हमारी ज़िंदगी के दौरान हमारे सामने से पसार हो गया है, जिनसे हमने कुछ सीखा है, उन सभी लोगों को हम याद कर लें। हम ये जानते हैं कि हमारा बचपन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो भी है वो बचपन में हमारे अंदर जो भी एहसास के रूप में बना है, वो एहसास ही हमको बनाने में मदद रूप हुआ है। तो उन सारे बच्चों को याद कर ले जिनको हम रोज देखते हैं, रास्ते पे देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, स्कूल से छूटते हुए देखते हैं, रिक्शा में देखते हैं, वैन में देखते हैं। अपने खुद के बच्चों को याद कर लें, उनके हंसते हुए चेहरों को देखें, उनके साथ बिताई हुई वो सारी पलों को याद करें। कभी हमने उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है उसको भी याद करें। मैं बच्चों की परवरिश के द्वारा ये विश्व को हम कैसे बनाना चाहते हैं, उसकी भावना का एक छोटा सा बीज अपने अंदर पलता हुआ देखे। मेरे एक आचरण से क्या बदल सकता है मुझ में, मेरे आसपास, मेरे बच्चों में। उन सारी अच्छाइयों को अपनी शक्ति के रूप में अपने मन में उभरता हुआ देखे। यही एहसास है जो दुनिया को बदल सकता है, जो खुद को बदल सकता है और एक अच्छे विश्व का, एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकता है। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ जाए, अगर हमें आती है तो हम सब साथ में करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले ने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे,
करते पावन हरिक मन का कोना हम चले ने भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे ना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना कीप योर आईज क्लोज्ड बी विथ योर सेल्फ प्रार्थना के शब्दों के एहसास के साथ जुड़ जाए फूल खुशियों को बांटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है मन में जो भी पवित्र एहसास हो रहा है उसके साथ बने रहे अपने गुरुजनों को याद कर ले अपने माता पिता को याद कर ले कृतज्ञता का भाव रखे मनोमन उनको नमन करे वंदन करे अपने खुद के बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखे हम जा रहे हैं उस विस्तार के सारे बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखे प्रयत्न करें हमारे आचरण से क्या बदलाव आ सकता है उसके बारे में अपनी अच्छाइयों को देखें शांतिपूर्ण विश्व के भविष्य को देखें दोनों हथेली एक दूसरे के साथ रब कर लें आंखें बंद रखते हुए आंखों के ऊपर लगाए आंखें अंदर खोले बंद करें जो भी ऊर्जा हथेली में आई है वो पूरी शरीर के साथ लगा ले बहुत प्यार से बहुत सम्मान से जब भी मन करे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अपने साथ जुड़े हो ऐसा लग रहा है ना चलो बढ़िया मन में शांति का अनुभव हो रहा है बस यही शांति हम विश्व में चाहते हैं है ना तो शांति की शुरुआत हम खुद हमारे खुद से ही होती है जब तक हम शांतिपूर्ण नहीं है तब तक हम विश्व को शांति नहीं दे सकते हैं तो उसका एक प्रयास है पेरेंटिंग फॉर पीस के द्वारा शांति आचरण से बढ़ती है परवरिश के माध्यम से हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं उनके उछेर से विश्व में शांति कैसे फैल सकती है उसके ऊपर हम ये दो दिन कन्वेंशन में बात करेंगे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है वेलकम यू ऑल थैंक यू वैभव भाई कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे लेकिन आज अपने साथ कई सारे डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास जो एप्पल का फोन है उसको हम आज दूर रखेंगे फोन प्लीज साइलेंट मोड पे रखिएगा अगर नया फोन है हम नहीं जानते हैं तो आसपास वालों से साइलेंट करवा लीजिएगा लेकिन हम इतनी तकेदारी ज़रूर रखेंगे कि आज पूरे दिन दौरान
ये हॉल में एक भी रिंग ना बजे. थैंक यू सो मच. जैसा कि आरती बहन ने कहा है, दो दिन हम बोलेंगे, हमारा मोबाइल नहीं बोलेगा. दोस्तों, आप लोगों ने पुलिस फोर्स में है ऐसे कई लोगों को देखा होगा. आप में से कई लोगों को तो उनका अनुभव भी हुआ होगा. आपने किसी भी पुलिस कर्मी को देखा है, आपको उनका अनुभव है, ऐसे किसी भी पुलिस कर्मी को याद कीजिए. पुलिस फोर्स में है ऐसे कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या काम करते हैं? अगर आपका उनके साथ कभी काम करना हुआ तो आपसे उन्होंने क्या किया? अभी हमारे सामने जो आ रहे हैं वो है तो पुलिस फोर्स में, मगर आप जो सोच रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट, उनसे बिल्कुल विपरीत. यानी हम जो समझते हैं कि पुलिस में ये होता है, इसमें से हमारे साथ में जब है तब कुछ नहीं दिखता है. ऐसे हमारे ये पेरेंटिंग फॉर पीस के जो पेरेंटिंग फॉर पीस का जो अभियान हम चलाते हैं उनके प्रेरणा स्रोत, और जब से हम सब उनके साथ जुड़े हैं तब से हमने देखा है कि पेरेंटिंग फॉर पीस और वर्ल्ड पीस के लिए उनकी जो इच्छा है या उनकी जो काम करने की इच्छा है वो कितनी है. हमारे सामने हमारे साथ हसमुख भाई पटेल है, आईपीएस ऑफिसर है, अभी गांधीनगर में उन काम कर रहे हैं. उनके बारे में हम सब जानते हैं, उनसे ही हम उनका ज़्यादा परिचय प्राप्त करेंगे. हमारे दो दिन का ये जो कन्वेंशन है और पेरेंटिंग फॉर पीस की जो फिलोसॉफी है, प्रिंसिपल्स है, उनके उसके बारे में बताने के लिए हसमुख भाई हमारे बीच है. सर, पेरेंटिंग फॉर पीस अर्थात बच्चों के परवरिश के माध्यम से विश्व शांति की ओर, इस अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सबका स्वागत है. और दर्शना बहन सबको अपना टाइम दिखाती रहेगी. इस अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सबका स्वागत है. हमारे साथ ऐसे लोग हैं, उसमें से काफ़ी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान क्या है. बच्चा बहुत ही प्रभावक्षम होता है. बचपन में जो पाता है, जो अनुभव करता है, वो सीखता है, और बड़ा होके वही अनुभव समाज को वापस देता है. हम कुछ लोगों का, मतलब कुछ महापुरुषों का देखें, मुझे याद आता है कुछ एक साल पहले अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गस्थ कलाम साहब सूरत में आए थे, और सार्वजनिक एजुकेशन ट्रस्ट के करीब 10,000 विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधन किया था. किसी विद्यार्थिनी ने उनको सवाल किया था कि आपकी आप इस जगह पर कैसे पहुँचे, आपका प्रेरणा स्रोत क्या था? तो उन्होंने कहा था कि मेरे 5th क्लास के टीचर ने पक्षी आकाश में कैसे उड़ता है वो बताया, और क्लास में हमको समझाने का प्रयास किया, और उसी शाम को हमको रामेश्वर के समुद्र किनारे ले गए और पक्षी कैसे उड़ते हैं वो दिखाए. उस दिन से मुझे आकाश में उड़ने का स्वप्न मेरे दिल में जागा और एक मैं अवकाश वैज्ञानिक बना. गांधी जी की बात करें तो बचपन में उनकी माता के बारे में वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि उनकी माता बहुत कठोर व्रत और उपवास करती थी, और उसी से प्रेरित होके या उसी का अनुभव बचपन में उन्होंने किया, इसलिए आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने 28 बार उपवास किए हैं. बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उनको उसी कठिन रास्ते पे चलने का मन हुआ. उनको उस टाइम स्वप्न आते थे कि राजा हरिश्चंद्र को कठोर, मतलब राजा हरिश्चंद्र को सत्य के रास्ते पे चलने में जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, ऐसा ही सामना उनको करना पड़े. बच्चा बचपन में जो भी अनुभव करता है वो सीखता है, और गांधी जी उसी अनुभव से सत्य सीखे.
उसके बाद अपने खराब मित्रों की संगत की वजह से वो धूम्रपान मांसाहार आदि किया उन्होंने, और उसके खर्च के लिए उन्होंने घर के सोने के गहने में से सोने की चोरी करनी पड़ी। आम तौर पे चोरी करने के बाद कोई सच नहीं बोलता है, बट क्योंकि बचपन में वो जो सीखा जाता है वो भूला नहीं पा जाता है, और सत्य वो सीख चुके थे, इसलिए चोरी करने के बाद भी उन्होंने सत्य बोलने का तय किया। एक चिट्ठी लिखी इकरार की और अपने पिता के पास चिट्ठी लेके गए और शिक्षा की मांग की। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, वो सामने बैठ के अब प्रतीक्षा कर रहे थे पिता के प्रतिसाद की। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, कुछ बोले नहीं, उनके आँख में से आंसू के दो बिंदु निकले, और मोहनदास गांधी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि उस आंसू के अश्रुबिंदु से वो भीगे और वो उनके लिए अहिंसा का पदार्थ पाठ था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक से सत्य सीखा था, पिता के व्यवहार से अहिंसा सीखा, और इसी अहिंसा के साथ उन्होंने अपने जीवन के अर्धशतक तक दक्षिण अफ्रीका में और भारत में अहिंसक आंदोलन चलाया और पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ सिखाया, क्योंकि वो बचपन में सीखा गया था और उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी पराकाष्ठा में था और लोगों को लगता था कि हमको आज़ादी मिल सकती है। उसी टाइम चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन जलाने की घटना हुई और उन्होंने आंदोलन वापस खींच लिया। उनके साथियों को भी वो सही नहीं लगा, बट वो निर्णय तो अश्रुबिंदु वाली घटना में हो चुका था। हम सब अपने बचपन में ऐसे ही निर्णय कर लेते हैं और उसी निर्णय के साथ जीते हैं। गांधी जी और कलाम साहब का दाखिला हमने देखा, ऐसा ही हिटलर और चंगेज खान के जीवन में भी हुआ। हिटलर के पिता ने उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया और उसी व्यक्ति के हाथ पूरा विश्व में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु पावे। चंगेज खान के केस में भी उसके जब वो छोटा था उसकी हाजिरी में उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की। वो बड़ा होके उसी पिता की हत्या करता है और उसके हाथ भी 10 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो हमारे बच्चे गांधी, कलाम या चंगेज खान और हिटलर बनने का निर्णय अपने बचपन में करते हैं। गांधी और कलाम विश्व में शांति लाते हैं और हिटलर और चंगेज खान जैसे लोग हिंसा फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि इस विश्व में शांति हम चाहते हैं, तो हमको गांधी और कलाम पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा, और उनके ऐसा करने के लिए उनके जैसे माता पिता और शिक्षक तैयार करने पड़ेंगे। पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान का काम यही है। ज़्यादातर माता पिता ये जानते नहीं हैं कि उनके घरों में, उनकी गोद में जो बच्चे पल रहे हैं वो आने वाले समय में विश्व को शांति की ओर ले जाएंगे, गांधी और कलाम की तरह, या हिटलर और चंगेज खान की तरह अशांति और हिंसा की ओर ले जाएंगे। वो पता नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चे को बहुत महान बनाना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि उनके व्यवहार से वो क्या सीख रहे हैं। हमारा काम है उन माँ बाप को, उन शिक्षकों को वो सिखाना कि अपने बच्चों को महान कैसे बनाया जाए, वो क्या करें ताकि वो बच्चे शांति और अहिंसा और आनंद का अनुभव करें और वही अनुभव अपने समाज को वापस करें। तो पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान का हमारा एक काम है, और हमारे सब साथी आप 2 दिन में यहाँ ये देखेंगे कि हम ये काम किस तरह से कर रहे हैं, और आप सब इस अभियान में जुड़ने के लिए आए हैं, इसलिए आपका फिर से एक बार अभिवादन करता हूँ। हम देख रहे हैं कि आज का समाज किस ओर जा रहा है। हमारे बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे और माँ बाप के बीच में अंतर बढ़ रहा है। हमारे बच्चे ड्रग लेने की दिशा में जा रहे हैं। हमारे बच्चे को अपने माँ बाप से प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, और उसका असर हमारे वहाँ वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ क्राइम बढ़ रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हम देख रहे हैं और चाइल्ड लेबर भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे बच्चे पलते जाएंगे तो हमको हिटलर और चंगेज खान मिलने की संभावना ज़्यादा है। हमें प्रयास करना पड़ेगा, और इस प्रयास के लिए आप सब देश के अलग अलग कोनों से
ट्रैवलिंग करके समय निकाल के अपनी और जिम्मेदारियों को बाजू पर रख के दो दिन हमारे साथ आए हैं, इसलिए आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये समय है जब हमको काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में, और आप सब ने ये काम चुना है, इसलिए आपको मैं अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में से 200 लोगों ने ये काम करना चुना है और काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्यार और आनंद का अनुभव कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप और शिक्षकों को अहिंसक और शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण परवरिश की सीख दे पाएंगे, और आने वाले समय में हम पूरे विश्व को शांति की दिशा में ले जा पाएंगे। इसी विश्वास के साथ इस फिलोसॉफी का थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवाता हूँ। सो हम सब चाहते हैं कि हम सब शांति चाहते हैं, बट वो शांति तो बचपन से आती है गांधी जी और कलाम की तरह, और वो शांति दिलाने के लिए हम सब प्रयास करना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है जो अनुभव करता है वही अनुभव समाज को वापस देता है। हमारा काम है कि वो बच्चा इंक्रीजिंग द कैपेसिटी फॉर एम्पथी एंड इमोशनल रेजिलियंस, बच्चा शांत जो मतलब हम अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बच्चे भी हमसे ये सीखेंगे। बच्चे का द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग अ चाइल्ड्स नीड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेशन, वो एक हमारा प्रयास होना चाहिए, और अपने पेरेंट्स वो कर पाए उस दिशा में हम प्रयास करने वाले हैं। कुछ महापुरुषों का देखते हैं। गांधी जी ने कहा है कि इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड एंड इफ़ वी आर टू कैरी ऑन रियल वॉर अगेंस्ट वॉर, वी शैल हैव टू बिगिन विथ चिल्ड्रन। इस विश्व में शांति हम लाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व को शांति सिखाया है वो व्यक्ति कहता है कि हमको शांति चाहिए तो अपने बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। और मैं उसमें एक ऐड करता हूँ कि अपने बच्चों से शुरू करना है तो हमको पेरेंट्स से शुरू करना पड़ेगा। प्लेटो कहता है द सोसाइटी विच स्पेंड्स मोर ऑन अप्रोप्रिएट एजुकेशन हैज़ टू स्पेंड लेस ऑन आर्मी। गांधी जी से 2000 साल पहले ये बात की गई। मारिया मोंटेसरी कहती है कि इट हेल्प्स एंड सालवेशन, इफ हेल्प एंड सालवेशन आर टू कम दे कैन ओनली कम फ्रॉम द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन आर द मेकर्स ऑफ मैन। Within the child lies the fate of the future. The first idea the child must acquire is that of difference between good and evil. ये मारिया मोंटेसरी कहती है। अलग अलग प्रकार के लोग एक ही बात कर रहे हैं। It is the spirit of child that can determine the course of human progress and lead it perhaps even to a higher form of civilization. Children nurtured in body, mind and spirit would guide humanity toward a more peaceful world. Gandhi ji, power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other is by act of love. Power based on love is 1000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment. शांति की शक्ति बहुत बड़ी है, ऐसा इस व्यक्ति ने हम सबको सिखाया है, बट वो शांति बचपन में छीनी नहीं जानी चाहिए, वो प्रयास हम सब कर रहे हैं। मनु भाई पंचोली कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द बिगेस्ट इन्वेंशन। आई हैव स्ट्रांग फेथ दैट इफ ह्यूमन काइंड वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस फ्रीडम इट विल हैव टू कम फ्रॉम दिस इन्वेंशन। मतलब विश्व में मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो बच्चों की शिक्षा से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्री स्कूल ट्रेनिंग वर्क डेलिजेंटली टू थ्रॉट द सीड ऑफ एग्रीजन फ्रॉम टेकिंग रूट। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा मैंने हिंदी में भी तैयार किया है। हम शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं आता है। वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध से लेके मुरारी बापू तक के साधु संतों ने बहुत प्रयास किया,
लेकिन उसका जैसा होना चाहिए ऐसा परिणाम नहीं आया, क्योंकि वो समय चुग गए थे। उनका कहना है कि खेतों में चिड़िया दाने चुग जाती है, उसके बाद पत्थर फेंकने जैसी बात है जब हम बड़ों के साथ काम करते हैं, या जो मिट्टी की दीवार पे प्लास्टर करने जैसी बात है। तो हम आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि वो समय हम चूक न जाएं, वो बचपन से हम शुरू करें, वो माँ बाप से और शिक्षकों से हम शुरू करें और उनको सक्षम बनाएं ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए। दर्शक कहते हैं ये बात हम जो हमारे बहुत अच्छे शिक्षाविद मनु भाई पंचोली, उनके शिष्य प्रताप भाई हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके पास शिक्षा ली है, तो वो उनके शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगते हैं कि लगा कि उससे अच्छे शब्द मेरे पास नहीं हैं। वो कहते हैं, शिक्षक जब बालक की हथेली पर छड़ी मारता है तब विद्रोह के बीच चित्त में वो बो देता है, बेसिक रूट्स ऑफ एग्रेशन। बाल चित्त में जब हम ऐसे बीज रोप देते हैं और बाद में कुछ भी प्रयास करें हम शांति वापस नहीं ला सकते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने शिक्षकों को कहा है कि आप और माँ बाप को कहा है कि आप सब शांति के देवदूत हो। वही शब्द आज मैं पुनरावर्तित करता हूँ आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि हम सब लोग शांति के देवदूत हैं। हिटलर को हराने वाले सेनापति ने शिक्षकों के लिए कहा है कि योर बिजनेस इज़ टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस। आप अपना काम ठीक से करेंगे तो सेनापति को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ही विल बी आउट ऑफ बिजनेस। मैडम मोंटेसरी को एक दिन किसी ने कहा कि मैडम, इसराइल में एक आदमी ने शोध की है कि बिना डंक की मधुमक्खी पैदा हो सकती है, हो सकती है। तब मैडम ने बताया कि बिना डंक का आदमी पैदा करना वही एक सबसे बड़ा काम है, ऐसा हमको करना है। दर्शक कह रहे हैं, शांति स्थापित करने का काम केवल आइजनहोवर, क्रुश्चेव या विनोबाजी ही नहीं करते हैं, बट गरीब क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षक भी यही काम कर रहे हैं। दर्शक कहते हैं कि जब लड़ाई के ब्यूगल बजते हैं तब बहुत सारे लोग सेना में जुड़ना चाहते हैं। हम भी देखते हैं कि अपने पड़ोसी के देश के साथ जब भी संघर्ष होता है तब हम शांति के लिए नहीं बट संघर्ष के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो संघर्ष, वो अशांति बचपन में हमने अपने अनुभवों से पाई है और वही जब मौका मिलती है तब ऊपर आती है। ये बात हो गई है। आक्रमक दर्शक कहते हैं कि आक्रमक वृत्ति का मूल बाल्यावस्था में हुए नकारात्मक अनुभव हैं। बालक को अपमान और निराशा का जो अनुभव अपने घर में, मोहल्ले में और शालाओं में होता है उन्हें बालक भूल नहीं जाता। उनके हाथ पैर छोटे होने से वो चुप रहते हैं बट अपने वही खाता में वो लिख देते हैं और जब बड़े होते हैं तब वही समाज को वापस करते हैं। जिस बालक ने बचपन में अपमानहीनता भरे अनुभव किए होते हैं इसी वो बड़ी उम्र को वो किसी और को पीड़ित करता है। बालक को जितनी बार निराशा का अनुभव हम कराते हैं उतनी उसकी आत्मश्रद्धा की ईंटें एक बार एक एक करके हटाते जाते हैं और जिसकी आत्मश्रद्धा चली गई है वो अवसर आने पर आक्रामक हो जाता है और अवसर न मिले तब तक वो अरजदार बनकर रहता है। तो जब हम इस प्रकार का परवरिश करेंगे तब ऐसा होगा कि बच्चा निराश होता है और अपना आत्मविश्वास खो देता है, अंततृप्ति का उसको अनुभव नहीं होता है और बड़ा होके वो उसी चीज़ को समाज को वापस देता है, वो खुद पीड़ित होता है हिटलर और चंगेज खान की बचपन की तरह और बड़ा होके वही समाज को पीड़ित करता है। आत्मविश्वास किस तरह बढ़े, जीवन का प्राण बल कैसे विकसित हो, इसकी दो ही चाबियां है। बच्चे को अपमान और निराशा नहीं मिलनी चाहिए और बच्चों को चाह सके तो वो अच्छी बात है पर न चाह सके तो फिर भी उसको अपमानित नहीं करें। तो हमको सिखाना है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप और शिक्षकों को बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ेगा बट जो कहना है, जो कराना है वो एक एम्पावर्ड वे में अपने बच्चों से करा पाए उसके लिए प्रशिक्षित करने का काम हम पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान में कर रहे हैं। दर्शक कह रहे हैं कि संहार वृत्ति का विकल्प है सर्जन क्रिया
और हमको सक्षम बनना है उन बच्चों को सर्जन क्रिया देने के लिए, ताकि वो सर्जनशील बने, आत्मतृप्ति का अनुभव करें, आत्मविश्वास का उनको अनुभव हो और वो समाज को वही आत्मविश्वास वापस मिले। दर्शक कहते हैं कि बाल शिक्षक का काम, बाल शिक्षा का काम एक धार्मिक काम है और बाल शिक्षक शांति सैनिक है, तो हम लोग सब शांति सैनिक हैं और अपने शिक्षकों को और माँ बाप को शांति सैनिक बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फिर से एक बार आप सबका स्वागत करके, अभिवादन करके, अभिनंदन करके मेरी बात पूरी करते हुए कहना मैं चाहता हूँ कि इन दो दिनों में हो सकता है हम बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करें, बच्चों की परवरिश कैसे करें, बट हम यहाँ इतनी ही छोटी चीज़ के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो अहिंसक और शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण बचपन पाए, बट हमारे आसपास के, हमारे राज्य के, हमारे देश के और विश्व के बच्चे वो शांतिपूर्ण बचपन, आनंदपूर्ण बचपन पाएँ, और उस दिशा में हम काम कैसे करें, किस तरह से हम काम करें, वो सक्षमता प्राप्त करके हमको यहाँ से जाना है। तो मैं आप सबसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ बैठ के केवल एजुकेशन लेके नहीं जाएं, बट ऐसा एजुकेशन लेके जाएं वो एक्शन में परिवर्तित हो। आप अपने अपने क्षेत्रों में जाके वो काम कैसे करें वो सोचते रहें, अपनी नोटबुक में लिखते रहें और ब्रेक के दौरान भी हमारे सब साथी और एक दूसरे से बात करें तो इस तरह से बात करें कि हम वापस जाके ये काम कैसे करें, ताकि गांधी और कलाम को जो बचपन प्राप्त हुआ है वो बचपन आज के समाज के और आने वाली पीढ़ियों में सब बच्चे को प्राप्त हो, और वही काम जो गांधी और कलाम ने इस समाज में शांति लाने के लिए किया, वही काम आज के बच्चे आने वाले भविष्य में करें। उसी विनती के साथ, उसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपके दिखाए हुए राह पर चलने की जरूर कोशिश करेंगे। एंथनी डिमेलो ने कहा है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट एजुकेशन इट्सेल्फ इज लाइफ। मतलब हमें खुद एज अ पेरेंट, एज अ सोशल वर्कर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, तभी हम ये चीज हमारे बच्चों में आगे बढ़ा पाएंगे। आगे के कार्यक्रम में मिसिस सोनलबेन वैद्य और उनकी टीम एक छोटी सी स्किट प्रस्तुत करने जा रही है। सोनलबेन वैद्य इंग्लिश के अमरोली कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। दूसरा, ये बहुत बड़ी कलाकारा है जो खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने मैकबेथ और दूसरे कई सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं और उन्होंने खुद ने इसमें एक्टिंग भी की है। इनकी टीम में मिस्टर फरजान और मिस्टर शिवानी हैं, जो भी खुद में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और P4P में वो हमें हमेशा स्किट के माध्यम से बहुत मदद रूप होते हैं। सोनल बेन एंड हिज टीम। हेलो। हाँ, मैंने आपसे कहा ना मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अरे मैंने कहा ना मैं सोचूंगी इस बारे में। जी ठीक है, हाँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। नीतू, हाउ आर यू?
क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नीतू, तुम तो आज अपना रिपोर्ट लेने जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ, इट्स कंफर्म यू आर प्रेग्नेंट नीतू, मैं बाप बनने वाला हूं, यू आर प्रेग्नेंट माय डियर। परिन, मैं अबॉर्शन कराने जा रही हूं। अबॉर्शन? परिन, लुक एट दिस, आफ्टर 13 इयर्स आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ डिप्यूटी मैनेजर, और वो भी कहां, फ्लोरिडा में। और इस वक्त ये प्रेगनेंसी, this is just impossible, Parin. You just see, तुम्हारी joining date 10 महीने बाद की है। तो उसके बाद बच्चे को कौन संभालेगा परिन? देखो, बच्चा मैं भी चाहती हूँ, but definitely not now. You want me to talk with my parents? तुम्हें लगता है इतना सब हो जाने के बाद भी वो इस बच्चे की जिम्मेवारी लेंगे? I don't think so. But I think so. एक ट्राई तो कर सकते। हेलो, अरे परिन, तू कैसा है? तू मैं ठीक हूं माँ। क्या आप फोन लाउड स्पीकर पे रखोगे? मुझे पापा से थोड़ी बहुत बातें करनी है। प्लीज माँ। हाँ, पापा, नीतू इज प्रेग्नेंट। पापा, बधाई हो। कितने महीने हुए? तो पापा, तो एक्चुअली नीतू को फ्लोरिडा में जॉब लगी है। वो फ्लोरिडा जॉब करना चाहती है पापा। अगर हेलो, फ्लोरिडा में पर ऐसी हालत में वो कैसे? तो बोलो बेटा, तो पापा, अगर आप बच्चे की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी संभाल ले, हमारे लिए काफी अच्छा होगा पापा। प्लीज पापा। जरूर है, ये कोई पूछने की बात है? जरूर। अरे नो, अ बिग नो परिंद, नो, सॉरी। शायद आप भूल रहे हैं कि आप जब हमको छोड़ के गए तब आपने क्या कहा था। आपने हमको फैमिली की डेफिनेशन सिखलाई थी। फैमिली की डेफिनेशन। और आपने कहा था कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही आते हैं, समझे? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी, आप दोनों नहीं। तो ठीक है, आप अपनी डेफिनेशन के मुताबिक जियो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी भाई, मैं फोन रखता हूं। पापा, हेलो। और हां, नीतू जी को बधाई देना हम दोनों की ओर से। अरे, अरे लेकिन फोन क्यों रखते हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हेलो, सुनो तो सही। पापा, मेरी बात सुनो। पापा, हो गई तसल्ली? नीतू, अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करें तो मैंने आज ही मम्मी को फोन किया था। कहती हैं बड़े भाई के बच्चों को संभालने से फुर्सत नहीं मिलती, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बच्चा भी साथ में ही पल जाएगा। इसीलिए मैं अबॉर्शन के लिए जाना चाहती थी, और कोई बात थोड़ी थी। तो
हम दोनों बच्चा चाहते हैं, राइट? तो हमारे खातिर, हमारे बच्चे के खातिर, तुम्हारे खातिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक हाउस हस्बैंड बनूंगा। हाउस हस्बैंड? हाँ, हाउस हस्बैंड।